डेरा सच्चा सौदा के सेवादार एक जरूरतमंद परिवार के लिए मसीहा बन गए। गांव खेड़ी मारकंडा में सेवादारों ने एक जरूरतमंद परिवार की बेटी का रसौली का इलाज करवाकर मरहम पट्टी व खाने पीने का जिम्मा भी स्वयं संभाला। ब्लॉक पिपली के गांव खेड़ी मारकंडा निवासी जनकराज ने बताया कि उसके पड़ोस में एक जरूरतमंद परिवार एक किराए के मकान में रहता है। परिवार का मुखिया कमलेश कुमार दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का खर्च चलाता है और परिवार में 4 सदस्य हैं। जनकराज ने बताया कि उसके परिवार में जब कोई जन्मदिन या अन्य कार्यक्रम होता है तो वे जरूरतमंद परिवार को खाने का सामान व अन्य जरूरत का सामान भेंट करते हैं। सर्दी के मौसम में एक दिन वे जरूरतमंद परिवार के बच्चों को जूते भेंट करने गए तो देखा कि एक छोटी बच्ची के माथे में रसौली है। इस बारे में उसने परिवार से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कई सालों से इस बच्ची के माथे में रसौली है व इसका साइज बढ़ता जा रहा है। इस पर जनकराज ने डेरा प्रेमियों से बातचीत की और बच्ची के ऑपरेशन की बात तय हुई। ऐसे में डेरा प्रेमियों द्वारा शुक्रवार को बच्ची का ऑपरेशन करवाया गया। अब बच्ची पूरी तरह ठीक ठाक है व बच्ची को मरहम पट्टी करवाने का जिम्मा भी डेरा प्रेमियों ने ही संभाला है। कमलेश कुमार जी, हमारी बेटी की रसौली थी जी सिर में, तब भी डेरा सच्चा सौदा वाले ने भैया जनक भैया ने को दिखाया मैंने, फिर इन्होंने फिर इलाज कराया जी। अब मेरी बेटी थोड़ा ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी। तो क्या काम करते हैं आप जी? हम मजदूरी करते जी। तो कहाँ रहते हो और कैसे किराए पे या जी? रहते जी किराए पे हैं जी। कहाँ? यहीं कम मालिक के पास ही हम किराए पे लिए जी, बड़ी मारखंडा जी। अच्छा। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे आप? अब डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने आपके बच्ची का इलाज कराया। इलाज कराया जी, हम बहुत धन्यवाद करते हैं जी कि हमारे पास गुरुजी को धन्यवाद है जी। तो कुछ देते हैं ये? हाँ, सामान वगैरह जी, जो हेल्प है तो हेल्प कर किया भैया ने। इसके अलावा परिवार के लिए राशन का प्रबंध भी डेरा श्रद्धालुओं द्वारा किया गया है। इस कार्य में रामदास, राकेश अग्रवाल, राजकुमार मेहता, मंजीत मलिक व अन्य सेवादारों ने सहयोग किया। कमलेश कुमार व चुनमुन ने कहा कि उनकी बेटी वनीता को कई सालों से रसौली के कारण दिक्कत हो रही थी। डेरा श्रद्धालुओं ने उनकी बेटी की रसौली का इलाज करवाया है। वे इसके लिए डेरा सच्चा सौदा का धन्यवाद करते हैं, जिनकी शिक्षाओं पर चलते हुए डेरा श्रद्धालु मानवता हित के कार्य कर रहे हैं। हमारे बेटी को जी रसौली थी तो पड़ोसी में जनकराज भैया थे, फिर उन्होंने पूछा कि आपकी बेटी को क्या क्या प्रॉब्लम है, तो हमने पूछा, भैया बोला कि हमारी बेटी के रसौली है, तो उन्होंने क्या पूछा कि आप दवा करा लेंगे? मैंने बोला कि हमारे पास भैया पैसे नहीं है, तो उन्होंने हमारी बेटी के इलाज करवाए और जूते भी नहीं थे, जूते भी दिलवाए और इन्होंने बहुत सहायता की हमारी। हमारे हस्बैंड हम दोनों गत्ता फैक्ट्री में काम करते हैं जी। तो चला लेते हैं परिवार का खर्च? अब चला क्या लेते भैया, हमारा है 6,000 और इनका है 7,000, तो उतने में खर्चा नहीं हो पाता है। ये ब्लॉक पिपली पड़ता है जी, और पिपली का ये गांव खेड़ी मारकंडा है। इसमें एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था जो अपना इलाज करा पाने में असमर्थ था, और परिवार की गरीबी की वजह से ये अपनी गुड़िया का इलाज नहीं करा पा रहे थे। गुड़िया को काफ़ी टाइम से सिर में रसौली थी। अब इसका सभी भाइयों ने मिलके हॉस्पिटल में इलाज कराया, ऑपरेशन कराया है जी, और अब ये गुड़िया काफ़ी हद तक अपने आप को ठीक महसूस कर रही है। और पिताजी के आगे भी हमारी यही अरदास है कि आगे भी इसी प्रकार सेवा हमसे कराते रहें। मैं राजकुमार, ब्लॉक बंगीत। हाँ जी, हम खेड़ी मारकंडा के बसिंदे जनकराज जी, और ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, एक प्लॉट में छोटा सा कमरा है, तो इनके मैंने इनको जूते और कपड़े दिए। बच्चों के पैरों में जूते नहीं थे, देख कर सर्दी में इनको जूते कपड़े दिए, और इसके सिर में देखा तो रसौड़ी। मैंने इनको पूछा भी बेटा ये क्या है, इन्होंने बताया, हमने कहा भी इसका ट्रीटमेंट कराओ, तो ये कहने लगे भी हमारे पास कोई पैसा नहीं है। हमारे गुरुजी ने जो 138 मतलब मानवता के भलाई कार्य चला रखी हैं उसके तहत हमने सोचा भी इनका इलाज हम करा देते हैं डेरे वाले। फिर हमने डेरा प्रेमियों ने इकट्ठे होकर सारे ने इसका ऑपरेशन करा दिया, अब ये बच्ची ठीक है। मेरा नाम बाबा रामदास है जी, मैं यहाँ जिला कुरुक्षेत्र का 25 मेंबर हूँ। ये अपने पंडित जनकराज जी हैं जी, ये ना बहुत सेवा करते हैं, पहले भी अपने मेहता जी हैं, हमारी मतलब एक टीम है उसमें 10-12 भाई मिल के आपस में। तो इनका पंडित जनकराज जी का मेरे पास फ़ोन आया, यार भाई मेरे पड़ोस में ना बहुत गरीब है बेचारे किराए पर, हाँ, और उनकी गुड़िया के सिर में रसोई है। तो जी हम भी मौके पर आए, हमने देखा भी गुड़िया का बहुत बुरा हाल था बेचारी का, बहुत बुरा हाल है। तो इन्हें जी अपना भाई जी ने इनकी मदद करी, यहाँ से इनको लेके हॉस्पिटल में गए, और हॉस्पिटल में डॉक्टर से सर्जन से बात करके इस गुड़िया का ऑपरेशन करवाया हमने, और अब ये गुड़िया बिल्कुल ठीक है। यही नहीं, ये भाई जी इसको रोज़ लेके भी जाते हैं जनकराज जी, इसकी पट्टी करा के लेते हैं रोज़, और ये पट्टियाँ अभी 10 दिन चलेगी। उसके साथ साथ इनकी मिसी जाती है रोज़ इनको दूध,
फ्रूट रोज़ चाहे आप इनको पूछ सकते हो, इनका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं जी। और बस ये शिक्षा हमें हमारे सच्चे सतगुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने दी हुई है, और अपने आप तो कहाँ हुआ जी, उन्हीं के कर कमलों से ये काम किया जा रहा जी, और उम्मीद है अभी आगे भी करते रहेंगे जी।